तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं डिप्लोमा के फर्स्ट सेमेस्टर के इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो आपकी परीक्षा में 18 से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है और उसे सॉल्व करना अनिवार्य होता है, वो होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक एक पॉइंट को अच्छी तरह देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, जो डिप्लोमा के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले कुछ रूल को फॉलो करना होगा, तभी आप लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बना सकते हैं। इसके पिछले वीडियो में जो ड्राइंग की वीडियो आई थी, आप लोगों को हमने प्रोजेक्शन ऑफलाइन बताया था। उसमें आप लोगों को हमने चार कोऑर्डिनेट्स के बारे में भी बताया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो भी उसी से रिलेटेड है। इसमें भी आपके चार एंगल रहेंगे, आप लोगों को फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल में प्रक्षेप बनाना रहेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वह वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, जो रूल हैं आप लोगों को हम बता रहे हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं। अगर फर्स्ट एंगल में बनाने के लिए कहेगा तो आप लोग उसको कैसे बनाएंगे, आप लोग देखिए आगे। तो देखिए, फर्स्ट एंगल में वी पी अपान एच पी होता है आप लोगों का, और फ्रंट व्यू वी पी में और टॉप व्यू एच पी में होता है। इसमें अगर दिया रहेगा आप लोगों का, साइड व्यू दिया रहेगा, तो आप लोग उसको हमेशा फ्रंट व्यू के सामने बनाएंगे, ठीक। और प्रश्न में यदि लेफ्ट साइड व्यू दिया रहे, मतलब जब अभी आप लोगों को हम क्वेश्चन बताएंगे, आप लोग रूल लिख लीजिएगा, अगर उसमें लेफ्ट साइड व्यू दिया रहेगा तो उसे राइट साइड व्यू में बनाते हैं। अभी क्वेश्चन आप लोग को हम बताएंगे कि क्या लेफ्ट साइड व्यू है, क्या राइट साइड व्यू है, ठीक। और प्रश्न में अगर राइट साइड व्यू में अगर दिया रहेगा तो उसे हम लोग लेफ्ट साइड व्यू में बनाते हैं। आप लोग यह फर्स्ट एंगल के लिए ध्यान में रखिएगा इसको। और अगर थर्ड एंगल के लिए कहेगा तो उसमें क्या रूल है आप लोगों को आगे हम बता रहे हैं। थर्ड एंगल के लिए आप लोगों का एच पी अपान बी पी होता है, टॉप व्यू बटे फ्रंट व्यू होता है। इसमें भी साइड व्यू को फ्रंट व्यू के सामने ही बनाते हैं। और थर्ड एंगल में इसमें आप लोगों को यह ध्यान देना रहता है कि राइट साइड व्यू जो रहेगा उसे राइट साइड व्यू में ही बनाएंगे, और अगर लेफ्ट साइड व्यू दिया रहेगा तो उसे लेफ्ट साइड व्यू में ही बनाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में आप लोगों के सामने एक देखिए ब्लॉक दिखाई दे रहा है, इसका आप लोगों को प्लान, एलिवेशन और साइड व्यू बनाना है, वो भी थर्ड एंगल में, ठीक। तो आइए इसको बनाते हैं। उसके बाद आप लोग अच्छे से इसको दोहराते रहिएगा, हम आइए इसको बना रहे हैं आप लोगों के सामने। इस प्रकार से कोऑर्डिनेट बना लेंगे, उसके बाद इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालेंगे। तो एल बराबर देखिए 100 mm हो जाएगा, चौड़ाई 75 mm हो जाएगी और ऊंचाई 45 हो जाएगा। देखिए चौड़ाई है 75, लंबाई 100 और ऊंचाई 45 हो गया। अब इसको हमें ड्रा करना है। तो ड्रा करने के पहले आप लोगों को बता दें, जो एक्स वाई रेखा है उससे आप लोग हर तरफ एक एक सेंटीमीटर छोड़कर आप लोगों को यह एक एक लाइन उसी के समांतर खींच देना है। लेकिन आप लोगों को उससे पहले यह ज्ञात करना है कि देखिए साइड व्यू किस तरफ बनेगा, फ्रंट टॉप किस तरफ बनेगा। तो देखिए यह इसका टॉप है, ठीक। तो देखिए टॉप हो गया अपॉन फ्रंट व्यू। आप लोग यहाँ से देखिए फ्रंट से देख रहे हैं, फ्रंट आपका यही तो है, इधर से आप लोग देख रहे हैं। तो यह देखिए आपके लेफ्ट में साइड व्यू है और ऊपर टॉप है। तो आप लोगों को यह पता चल गया कि साइड व्यू आपका लेफ्ट में बनेगा, और थर्ड एंगल में जब बना रहे हैं तो आपका लेफ्ट में ही बनेगा। आप लोग यहाँ से देख रहे हैं फ्रंट से अपने, ठीक। तो लेफ्ट साइड व्यू हो गया। तो आप लोग ये अपना मानक मान लेंगे, टॉप व्यू यह हो गया, फ्रंट व्यू इधर हो गया, और साइड व्यू आपका लेफ्ट साइड व्यू में बनेगा, ओके। अब देखिए हमने यहाँ लाइन खींच दी है सबके समांतर,
और हाँ, जिधर आप लोगों को साइड व्यू बनाना रहेगा उसके ऊपर आप लोग लाइन नहीं खींचेंगे, एक एक सेंटीमीटर अपने तरफ से हमने यह मानकर छोड़ा है, आप लोग भी इसी तरह बनाइएगा। ठीक, तो आइए बनाते हैं टॉप व्यू। तो देखिए, टॉप हमारा यहाँ बनेगा, फ्रंट यहाँ बनेगा और साइड यहाँ पर बनेगा। तो आइए बनाते हैं। तो आप लोग इसको देखिए टॉप से देख रहे हैं, चित्र को देखिएगा ध्यान से। बुक होगी तो बुक खोल लीजिएगा। देखिए, जब इसको टॉप से हम लोग देखेंगे, टॉप से, तो ये हमको देखिए टॉप से जब देख रहे हैं तो ये पूरा दिखेगा हमें। देखिए यहाँ से ये आखिर ये सब दिखेगा, ऊंचा नीचा जो भी है, लेकिन टॉप से जब देखिए ऊपर से देख रहे हैं, मान लीजिए कोई सीढ़ी बनी हुई है, जब इसको ऊपर से देख रहे हैं ऊपर से, तो देखिए यहाँ से लेकर ये सब पूरा हमें दिख रहा है, मतलब एक बॉक्स टाइप का हमें पूरा दिख रहा है। तो सबसे पहले इसको हम लोग बना लेंगे, जिस तरह से दिया उसी तरह आप लोग इसको बनाएंगे। तो इसको अब बनाएंगे कैसे, अब शुरू करते हैं इसको हम यहाँ से बनाना। ठीक, यहाँ से बनाना इसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ से इधर चलेंगे, इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 100। तो सबसे पहले आप लोग इसको खींच लीजिए। ठीक, और वह लंबाई आप लोग यहाँ से खींचेंगे। सौ खींच ले रहे हैं यहाँ से। ये आपकी लंबाई 100 हो चुकी है। आपने 100 mm की लंबाई खींच ली। ठीक, तो देखिए ये आप लोगों की जब टॉप से देखे हैं तो ये पूरी लंबाई आपको देखी है 100 cm। तो ये भी तो आपको देखेंगे, भले ऊंच खाल है उससे मतलब नहीं है हमको, 100 हो गया। तो देखिए ये हमने बना लिया यहाँ से यहाँ तक। अब आपको बनाना है ये वाली दूरी। तो ये दूरी कितनी है आपकी, ये दूरी कितनी है, यहाँ से इस कोने से लेकर इस कोने तक की दूरी आपकी 75 mm है। तो यहाँ से आप लोग 75 mm आगे बढ़ा लीजिए इसकी चौड़ाई को। तो यहाँ से आप लोग बनाएंगे 75 mm के ऊपर की दूरी। तो यहाँ तक आप लोगों का हो जाएगा 75 mm। हो गया 75। उसके बाद अब आप देखिए यहाँ से शुरू किए हैं, यहाँ पहुँचे हैं, उसके बाद मतलब यह दूरी आपको यहाँ तक दिखी, उसके बाद अब आप लोग उधर भी पड़ गए हैं। अब आप लोगों का फिर देखिए 100 आना है आगे। ठीक, तो अब 100 और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तक 100 है, आप लोग देखिएगा। यहाँ तक आप लोगों का 100 हो चुका, और फिर ये देखिए टोटल फिर 75 है। तो फिर मतलब जब ऊपर से देख रहे हैं तो पूरा बाक्स हमें दिखाई दे रहा है। ठीक, तो जब टॉप से आप लोग देखेंगे तो उसका आप लोगों को दिखेगा ये लंबाई, और क्या दिखता है आप लोगों को, उसकी चौड़ाई दिखती है टॉप से देखने पर। ठीक, तो देखिए इसकी लंबाई बना दिया है हमने यहाँ 100, और इसकी चौड़ाई बना दी हमने 75, और इसको आगे अब इसको मिलाना है, ये भी 75 है, लेकिन आप लोग देख रहे हैं यह साइड बना यहाँ पर, यह साइड बना आपका यहाँ पर, और यह वाला साइड बना आप लोगों का इधर। लेकिन जब इधर वाला साइड बनाएंगे तो देखिए इसमें कई प्रकार के खांचे कटे हुए हैं। तो उसको बनाने के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले खींच तो ले रहे हैं इसको पूरा, क्योंकि हमें पूरा बॉक्स दिखाई दे रहा था, इसको भी बना ले रहे हैं पूरे बॉक्स की तरह। देखिए हमने मिला लिया। ठीक, लेकिन जब देखिए आप लोग चित्र में देखिएगा, जब आप लोग टॉप से इसको देख रहे हैं तो यहाँ से देखिए ये कटा है, आपको ये वाली दूरी नहीं दिखेगी जो डैश डैश की गई है, नहीं दिखेगी।
आप लोगों को यह दिखेगी, फिर आपको यह दिखेगी, फिर आपको यह दिखेगी, और इसकी चौड़ाई कितनी है 25 25। तो यानी ये आपकी लंबाई जो चौड़ाई थी पूरी 75 थी, तो यानी इसको 3 भागों में बांटते हैं तो आपकी ये 25 25 25 हो जाएगी। तो इसको आइए बना लेते हैं, 25 25 25। यहाँ तक 25 हो गया, यहाँ तक ठीक, ये आपका 25 25 और 25 हो गया। इसको मिला लेते हैं, यह आप लोगों का मिल गया। लेकिन आप लोग देखिए, जब यहाँ तक आया है 25, ये 25 ही तो है, जब यहाँ तक आए हैं तो यहाँ से आप लोग टॉप से जब देखेंगे ऊपर से, तो देखेंगे एक लाइन इधर भी गई है, यहाँ गई है। अब आप लोगों को इसकी दूरी निकालनी है, तो आप लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए टोटल 100 है ठीक, लेकिन आप लोगों का देखिए जो दूरी है यहाँ तक लाना है, आपको पता नहीं है कितना दूरी है क्योंकि यहाँ कुछ दूरी नहीं, लेकिन आपको यह दूरी दी गई है 25, मतलब इनका जो यह गैप है यह 25 है। तो आपको आगे बढ़कर इसको 85 तक ले जाना है, 85 नहीं 75 तक जाएगा, क्योंकि 25 टोटल 100 है, 25 देखिए जो दूरी है इसका 25 है, तो घटेगा यानी 75। तो आप लोग सीधे 75 तक ले जाइए, 75 mm तक। यह हो गया। इसी प्रकार से जो तीनों सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, खांचे बने हैं, तीनों में आप लोगों को 75 तक जाना है। ठीक, उसके बाद सबको आप लोग वर्टिकल मिला लीजिए। यह आप लोगों का बन गया टॉप व्यू, यह आप लोगों का बन गया टॉप व्यू। आप लोग यहाँ लिख सकते हैं टॉप व्यू, ऊपर से देखे हैं सब लंबाई दर्शाए हैं। अब आप लोगों को इसकी दूरियां दर्शा देनी है। आप लोग जो भी दूरी दर्शाएंगे वो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू में ही दर्शाएंगे, साइड व्यू में दूरी दर्शाने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। तो आइए दूरियों को दर्शा लेते हैं, पहले टॉप व्यू को यहीं पे पूरा एकदम ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद तब चलते हैं फ्रंट व्यू की तरफ। आप लोग एरो अच्छे से बनाइएगा, एरो हमारा थोड़ा गलत हो जा रहा है, लेकिन आप लोग अच्छे से बनाइएगा। और डाइमेंशनिंग तो करना आप लोग जानते ही होंगे, जब पूरा एरो रहता है तो उसके ऊपर से हम डाइमेंशनिंग करते हैं, तो यह हो जाएगा 25, ये भी 25 और ये भी 25। यह आप लोगों का टॉप व्यू बन चुका, अब इसमें कुछ भी नहीं करना आप लोगों को। अब आइए बनाते हैं इसका फ्रंट व्यू। अब देखिए चित्र आपके सामने है, ये फ्रंट है, इधर से आप लोग जब देखेंगे तो आप लोगों को, तो फ्रंट व्यू बनाएंगे तो आप लोग यहाँ से देखेंगे फ्रंट से, तो आप लोगों को पूरी ऊंचाई दिखेगी और आपको लंबाई दिखती है फ्रंट व्यू में, और टॉप व्यू में आपको लंबाई और चौड़ाई दिखती है, फ्रंट व्यू में आप लोगों को ऊंचाई और लंबाई दिखेगी। तो लंबाई दिखेगी यानी लंबाई आपकी पूरी 100 दिखेगी, तो आप लोग पूरा 100 खींच लीजिए ठीक, पूरा आप लोग यहाँ से 100 खींच लेंगे। तो 100 यानी बोले तो यहाँ तक आएगा जिस तरह आपने टॉप व्यू में बनाया था, तो आपकी यह 100 हो गई। फ्रंट व्यू से आपने देखा तो यहाँ तक देखिए 85 था, क्योंकि 25 यहाँ घटा है, तो 25 जुड़ेगा तो पूरा तो दिखेगा फ्रंट व्यू में। आप लोग यहाँ से देखिए फ्रंट व्यू 100 है, तो 100 हो गया। उसके बाद आप लोगों को फ्रंट व्यू में कोई भी वस्तु है आप लोग उसको सब सामने से देखेंगे,
कोई भी यदि कोणाधार वस्तु है सामने से देखेंगे तो आपको लंबाई दिखेगी और उसकी ऊंचाई दिखेगी जब आप सामने से देखेंगे। ठीक, तो इसकी ऊंचाई आपको दिखेगी, ऊंचाई कितनी है आपकी, ऊंचाई आपकी यहाँ टोटल ऊंचाई दी गई है 45, यानी इसकी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई है वो है 45, तो यानी आप लोग 45 खींच लेंगे नीचे की तरफ। यह हो गया 45। अब आप लोगों को सीधे इसको यहाँ मिला लेना है, 100 ही तो है लंबाई, यह मिल गया 100। उसके बाद क्या करना है, देखिए जब सामने से देखें तो आपको भी एक बक्से की ही तरह दिखेगा। ठीक, तो इसको पूरा एक बक्सा बना लेते हैं, यह आप लोगों का फ्रंट व्यू का बन गया। लेकिन आप लोग देखिए जब टॉप से देख रहे थे तो आपको यह जो प्लेन सीढ़ियाँ दिख रही हैं ये दिख रही थी, टॉप से इसकी चौड़ाई दिख रही थी 25 25। लेकिन जब आप लोग सामने से देखेंगे तो आप लोगों को जो खांचेदार बनी गई हुई हैं, आप लोग एक सीढ़ी को ही मान लीजिए, जब आप लोग सामने से देखेंगे तो जिस पे आप लोग पैर रखते हैं वो नहीं दिखेगा, बल्कि जो ईंट जोड़ी गई होती है वो आपको दिखेगा, और जब ऊपर से आप मतलब चल कर आएंगे तो जिस पे पैर रखेंगे वो आपको टॉप से दिखेगा। ठीक, तो इसको जब सामने से आप लोग देखेंगे तो आपको जो खांचेदार हैं वही आपको दिखेंगी। तो सबसे देखिए एक खांचा बना है, इसमें दो बना है और तीन बना है, और सबकी मोटाई कितनी है 15 mm। तो आप लोग नीचे से शुरू कीजिए और 15 15 mm का काट लीजिए, 15 ए हो गया, 15 ए हो गया। ठीक, और 15 तिया 45। लेकिन ये कितनी दूरी तक गया है, यहाँ से देखिए 25 mm पे छोड़ा गया, यानी जो टॉप में बना था उसी कितना दूरी ये भी जाएगा, यानी 75 तक ले जाएंगे आप इसको। यह हो गया 75, ये हो गया 75। अब इसको मिला लेंगे, मिल गया, पूरा मिलेगा क्योंकि कोने तक देखिए यहाँ तक सब में मिला है कोने पे। तो यह हो गया आप लोगों का साइड व्यू, नहीं फ्रंट व्यू हो गया, साइड व्यू तो अभी हम लोग बनाएंगे। तो इसकी भी दूरी दर्शा लेते हैं, यह हो गया। तो हमने देखिए आप लोगों को दूरी दर्शा कर इसका भी बता दिया है, आप लोगों का हो गया फ्रंट व्यू। अब बनाते हैं इसकी साइड व्यू जो कि बनेगा लेफ्ट में, तो आइए उसको भी बना लेते हैं। साइड व्यू को बनाना बहुत ही आसान होता है, अभी देखिए कितना जल्दी साइड व्यू आप लोगों का बनता है, आप लोग देखिए। साइड व्यू को बनाने के लिए इधर की जितनी भी लाइनें हैं उधर उसको आप लोग इस तरह नीचे ट्रांसफ़र करनी है। तो सबसे पहली वाली लाइन आपकी देखिए ये है, ठीक, सबसे लास्ट वाली लाइन आपकी ये है। तो देखिए यहाँ पे जो एक्स वाई रेखाएं काटी हैं उसके मेन बिंदु पर रखेंगे, और इसके जो पहली लाइन थी सबसे नीचे वाली उसको ट्रांसफ़र करेंगे एक्स वाई रेखा के नीचे। तो एक छोटा सा चाप लगाएंगे, बहुत बड़ा नहीं, एक्स वाई एक्स एक्स रेखा तक ही रहे जो। तो देखिए हमने इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, यहाँ तक हो गया। अब इसके जो लास्ट वाली लाइन है, लास्ट वाली, इसको भी ट्रांसफ़र करेंगे। तो आप लोग इसको बढ़ाएंगे, मेन पॉइंट पर रखेंगे, फिर यहाँ से इसको यहाँ ट्रांसफ़र करना चाहेंगे, करना नहीं चाहेंगे, कर दिए। मेरा देखिए थोड़ा सा हिल गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से बनाइएगा। ये हो गया, अब इस लाइन को हम लोग पूरा नीचे तक लाएंगे। यही लाइन थी, इसको अब पूरा नीचे तक लाएंगे।
अब आपको कितने दूरी तक लाना है आप लोग देखिए। तो फिर देखिए यहाँ से हम लोग इसका साइड व्यू देख रहे हैं, तो साइड व्यू से आप लोग देखेंगे तो सामने साइड से जब आप लोग देखेंगे तो उसकी चौड़ाई दिखेगी और ऊंचाई दिखेगी। साइड से ही तो है, तो साइड से देखिए आपको चौड़ाई दिख रही है और इसकी ऊंचाई दिख रही है। ओके, तो ये देखिए जो हमने इस पर ट्रांसफ़र किया है 75 यहाँ से यहाँ, यह दूरी टोटल 75 ही तो है, तो ये आपकी चौड़ाई हो गई। तो इसको पूरा मिला लेंगे, ये आपकी टोटल 75 हो गई। अब आपको इसकी ऊंचाई बनानी है 45, तो यहाँ से आप लोग 45 नीचे आएंगे। ये आपकी 45 हो गई। उसके बाद आप लोगों को बना देना है इसकी जो लंबाई थी, इसी के समांतर आप लोग लाइन खींच लेंगे 75 की। तो खींच ले रहे हैं हम भी, आप भी लोग खींच लीजिएगा। यह हो गया 75। जब देखिए आप लोग इसको साइड से देख रहे हैं तो आपको पूरा बॉक्स तो दिख ही रहा है, पूरा बॉक्स दिख रहा है। जो यहाँ से देखेंगे तो मान लीजिए ये सब तो देखेंगे, यहाँ तक तो पूरा दिखा, फिर आप लोग कहेंगे नीचे है, लेकिन आप लोग तुरंत यहाँ नहीं देखना, तुरंत आगे बढ़ना है, तो आपको ये दिखने लगेगा, यानी आपको पूरा बॉक्स मिल गया। तो 45 और 75 का हमने बॉक्स बना लिया। यह आपका बॉक्स तैयार हो गया। अब आप लोग देखेंगे इसमें, यहाँ से देखिए यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से ये हो गया मान लीजिए, तो इसमें देखिए ये हो गया ठीक। उसके बाद आप लोगों को इससे कितना जाना है 25, तो आप लोग यहाँ से आएंगे यहाँ तक 25, तो यहाँ से 25 चल दिए हम आगे की तरफ, तो यहाँ से 25 यहाँ तक हो गया मेरा, 25 यहाँ हो गया। तो साइड से देखिए यहाँ तक, साइड से देखेंगे तो इस कोने से, यानी इस कोने से हमने शुरू किया, तो यहाँ तक देखिए आगे बढ़ा 25 तक, साइड ही देखना है तो 25 तक हमने भी ले लिया। उसके बाद आप लोग देखेंगे 15 नीचे आया है, तो आप लोग इसमें 15 नीचे आ जाइएगा, 15 नीचे आएँ। फिर उसके बाद देखिए उसी तरह एक 25 आगे बढ़ा है, तो फिर इस पर 25 आगे बढ़ेंगे ठीक। उसके बाद फिर 15 नीचे आया, तो फिर 15 नीचे आएंगे, 15 नीचे आ गए हैं। उसके बाद फिर देखिए 25 बन गया है, उसके बाद इसमें सट कर फिर 15 नीचे आया है, तो देखिए यहाँ तक पूरा 25 हो जाएगा मेरा ठीक। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे आपका 15 यहाँ नीचे आ गए हम, तो आपका यह हो गया साइड व्यू जो कि आपके लेफ्ट में बना है। तो इसको लेफ्ट साइड व्यू आप लोग लिख सकते हैं, इसमें दूरी दर्शाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो हमने आप लोगों को इस चित्र का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू लेते हुए इसका हमने आप लोगों को प्लान, एलिवेशन और लेफ्ट साइड व्यू बता दिया। तो आप लोगों को कुछ और आगे हम बताएंगे, इसमें 2-3 एग्जांपल और बताया जाएगा। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। आज के लिए बस इतना ही।